Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been... के साथ गार्लिक नान, बटर नान, तंदूरी रोटी, हमारा जो केरला का रिंग परोटा, उस कितना सुंदर दिख रहा है ना, चिली फ्लेक्स और कसूरी मेथी मसाला वाला आटा मैं इसी में गूंद लेती हूँ, फटाफट भी हो जाता है ना। को भिगो के रखती हूँ, थोड़ा गर्म पानी, हाफ, ज्यादा भी गर्म नहीं, थोड़ा सा वार्म वाटर में भिगो के रखती हूँ। भिगोने के बाद हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, कसा काय, और क्या क्या, और केम छो, केम, और एलआर को सुगाणो ना, अपने मलयालम में बोलना भी तो जरूरी है ना, एलआर को सुगाणो, हां इबडे एलआर को सुगाणो, यहाँ सब मजे में है, आप भी सब मजे में होंगे। और क्या शुभम, और क्या बोलेंगे, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है क्या क्या बोल, है ना, याद नहीं। आपको ये सुने से लग रहा होगा ना, मैं बड़ी बिग बॉस की फैन हूँ। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, अभी तो ओटीटी खत्म हो गया है, अभी मैं नेक्स्ट उसका मैं वेट कर रही हूँ। मेरा खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस, ये मेरे सारे फेवरेट है। अभी ये खत्म हो गया तो ऐसा लग रहा है कि अरे क्या हो गया, खत्म हो गया, अभी कोई बात नहीं, अभी तो आने वाला है दूसरा बड़ा बिग बॉस आने वाला है, ये तो ओटीटी था। खतरों के खिलाड़ी चल रहा है, वो अच्छा लगता है। तारक मेहता भी देख लेती हूँ क्योंकि कॉमेडी है ना थोड़ा, तो वो भी देख लेती हूँ। और शुभम क्या देखता है, मैं तो एनिमे देखता है ना। हाँ, और गेम खेलता रहेगा, बीच में टाइम मिलेगा तो गेम खेलेगा, है ना। फिर चलते हैं, अभी मेरे को लंच बनाना है और भी सारे काम है, अभी सुबह के 11 बजे हैं तो अभी एक 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 काम करना है थोड़े बहुत सब। और बता, केमिस्ट्री है ना कल, केमिस्ट्री का हो गया सारा पढ़ाई, नहीं हो गया। ये कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं, कुत्ते मतलब आपस में लड़ रहे हैं, एक एक है उनकी गैंग है, एक मेरे को लग रहा है गैंग नंबर वन, गैंग नंबर टू, मतलब एक इधर से आने नहीं दे रहा है, दूसरे को आने नहीं दे रहा है, मतलब गैंग गैंग वॉर अटैक चल रहा है ना, लगातार चले ही जा रहा है। बस बॉम्बिंग नहीं हो रहा है, मुंह से बॉम्बिंग चल रहा है इनका भौंकने का। कुछ सब काम करना है, लंच बनाना है, चलिए मेरे साथ कंटिन्यू करते हैं। चलिए बेटा पढ़, ठीक है ना, ओके अभी चलते हैं, चल बाय। ये देखिए, ये काली किशमिश है, मैं इसको आधे घंटे घंटे के लिए मैं इसको भिगो के रखती हूँ, थोड़ा गर्म पानी, हाफ, ज्यादा भी गर्म नहीं, थोड़ा सा वार्म वाटर में भिगो के रखती हूँ। भिगोने के बाद इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, 3-4 बार वॉश करके, ये देखिए अच्छे से वॉश हो गया। वॉश होने के बाद हम 3 लोग है ना, तो मैं 3 कटोरी में ये डाल रही हूँ। ये रोज का काम है मेरा। शुभम को किशमिश बहुत पसंद है, काली किशमिश, और हेल्थ बेनिफिट्स भी है इसके, आपको तो पता ही है, तो फिर ये रोज का है। कुत्ते बाहर बहुत भौंक रहे थे तो मैं सोची चलो देखो क्या हो गया, फिर ये देखे एक कुत्ता यहाँ पे आया हुआ है, भौंके दिखा रहा है, और उधर से कई कुत्ते चिल्ला रहे हैं, तो ये आए दिन इतने सारे भर गए हैं ना यहाँ पे कुत्ते, डर भी लगता है। फिर ये देखे, साथ ही साथ मैं आपको ऑर्किड भी दिखा रही हूँ अंदर से, ये देखे कितना अच्छा लग रहा है ना, तो लग रहा है मैं आपको सामने से दिखाती हूँ, ये देखे कितना सुंदर, 3-3 देखे कली आई हुई है और कली में फूल आने वाली है, और बहुत सुंदर दिख रहा है ना, ये देखे उसमें भी देखे छोटे छोटे रेड फ्लावर्स, ये देखिए तब तक दूसरा आ गया। मिमी मिमी ना मिमी मिमी, रोज मैं खाना देती हूँ ना तो मछलियाँ मुझे अच्छे से पहचान लेती है, मैं ऊपर से नीचे आती हूँ तो ही दिखाने लग जाते हैं कि मुझे दाना दो, दाना देने के बाद 2-3 मिनट बैठो और इनको देखते रहो, बहुत अच्छा लगता है, टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। फिर रोज की डस्टिंग, और वैसे तो अभी तो धूल आता तो है नहीं, हफ्ते में 1-2 बार तो मैं ये धो ही लेती हूँ, धूल तो रहता नहीं, फिर भी एक बार ऐसे ही पत्ते में एक बार हाथ फेर लेती हूँ। As I head to you, like the river.
slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. It's in this आटा मैं इसी में गूंथ लेती हूँ, फटाफट भी हो जाता है ना। ये देखिए मेरा आटा गूंदना हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे मैं पुलिशेरी बना रही हूँ, दही तड़का जो बोलते हैं। मैं आपको इसकी रेसिपी पहले भी दिखा चुकी हूँ। मैंने इसमें प्याज, कड़ी पत्ता, उसमें अदरक, लहसुन, फिर इसमें लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, मेथी पाउडर, फिर उसके बाद इसमें मैंने दही, नमक सब डाल के इसको अच्छे से इसको गरम करती हूँ। मतलब उबालती नहीं हूँ, गरम करती हूँ। ज़्यादा गरम करेंगे तो ये फट जाएगा, तो बस इतना उबाल लेती हूँ। मैं आपको इसकी रेसिपी मैं पहले भी दी हूँ। ये अमन को बहुत पसंद है, ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। ये अक्सर मेरे घर में बनता है, सबको बहुत पसंद है ये पुलिशेरी। और ये देखिए यहाँ पुलिशेरी बन रहा है, और मैं यहाँ पे दूध रखी हूँ, सुनीता आएगी उसके बाद चाय बनाएंगे। ये देखिए अभी चावल की तैयारी, मैं केटल में पानी गर्म करती हूँ, कुकिंग टाइम जल्दी हो जाता है ना इसलिए। ये देखिए मैं क्या बना रही हूँ, है क्या चीज, ये है दूध, दूध के पनीर बना रही हूँ मैं। इसमें मैं डाली हूँ कसूरी मेथी और चिली फ्लेक्स, नमक, तो ये क्या मसाला टाइप का हो जाएगा पनीर। तो इसकी सब्जी बनाओ या कुछ भी बनाओ अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैं इस तरीके से मसाला पनीर बनाई हूँ। ये गर्म होगा, उसके बाद मैं इसमें विनीगर डाल के फिर उसके बाद ये पनीर बनेगा। बॉईल आ गया है, बॉईल आने के बाद मैं विनीगर डाल रही हूँ इसमें, अभी मैंने इतना डाला। अभी उसके बाद मैंने थोड़ा सा और एक चम्मच के करीब मैंने फिर और विनीगर डाला और चलाते रही। ये देखिए हमारी दूध भी फट गई, पनीर पूरी तरीके से अच्छी तरीके से ये बन गया है। अब इसको मैं ऑफ कर रही हूँ, आपको दिखाऊंगी किस तरीके से दिखता है। आप एक बार इस तरीके से भी बना के देखिए, अच्छा लगता है। फिर इसको कपड़े में छान के इसको मैं एक दो घंटे के लिए मैं रखी। रखने के बाद देखिए पनीर कैसा दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है ना, चिली फ्लेक्स और कसूरी मेथी मसाला वाला पनीर। अभी इसकी कटिंग करेंगे, कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से दिखता है। अभी इसको और छोटा कट करेंगे, अभी देखिए इस तरीके से कटिंग के बाद देखिए कैसा है। ये देखिए हमारी मसाला पनीर तैयार, इसके पकौड़े बनाओ, इसकी सब्जी बनाओ। इसमें नमक और ये मसाले हैं, तो इस ऊपर से थोड़ा सा नमक छिड़क के, काला नमक छिड़क के इसको फ्राई भी कर देंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। एक बार इस तरीके से बना के देखिए। अब मैं आपको जो इसकी सब्जी बता रही हूँ, ये रेस्टोरेंट स्टाइल या उससे भी बहुत ही टेस्टी सब्जी है, आइए देखिए। पहले मैंने कढ़ाई ऑन किया है, अभी इसमें मैं इतना तेल डाल रही हूँ। तेल डालने के बाद थोड़ी सी जीरा, थोड़ी सी शाह जीरा, फिर ये जब थोड़ा सा ये भुन गया ना, फिर प्याज डाल रही हूँ। ये देखिए ये थोड़ा सा हल्का सा ये भुन गया, ज़्यादा भी नहीं, सब एक साथ भून रही हूँ। फिर ये टमाटर और हरी मिर्च, चार हरी मिर्च लिया छोटा छोटा, और छोटे छोटे चार टमाटर है वो भी डाल रही हूँ। लहसुन पेस्ट, अदरक पेस्ट, थोड़ी सी टुकड़ा काजू है, काजू भी डाल रही हूँ थोड़ा सा, थोड़ा सा मगर, थोड़ी सी धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, इतना नमक। फिर इसकी अच्छे से फ्राई करेंगे, ढक ढक के पकाएंगे जब तक ये अपना तेल ना छोड़ दे। ढक के पका रहे, इसको बीच बीच में चेक करते रहे और इसको चलाते रहे, अच्छे से इसको फ्राई करना है। पकाया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे ये देखिए ऑयल डाल रही हूँ, इसमें थोड़ी सी शाहजीरा। ये देखिए मैंने प्याज को इस तरीके से काटा है, रफली मिल जाएगा बाद में भी, इस तरीके से मैंने इसको काटा है। और ये देखिए हमारी शाह जीरा भी भुन गई है,
उसके बाद हमने इस तरीके से जो कटा हुआ प्याज है ये डालेंगे। फिर मैंने इसको 2 मिनट चलाने के बाद जो हमने पनीर बनाया है ना, मसाला पनीर, वो मसाला पनीर इसमें डाल के दोनों को साथ में भुनेंगे। अब शिमला मिर्च डालना है तो शिमला मिर्च डाल सकते हैं, अब मैंने नहीं डाला शिमला मिर्च। अब मैंने इसमें थोड़ा सा काला नमक, 1 चम्मच के करीब काला नमक डाला है। पनीर में भी नमक है ये ध्यान में रखना है, दूसरा नमक भी डाल सकते हैं, मुझे काला नमक अच्छा लगता है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भुना जा रहा है। देखिए हमारी मसाला सब अच्छे से पक गई है, तेल भी छोड़ दिया है। अब इसको मैंने स्विच ऑफ किया है, स्विच ऑफ करके मैं इसको ठंडा करूंगी। ठंडा करके ये देखिए मैंने मिक्सी के जार में डाला है, और मैं ये पानी डाल के नहीं पीस रही हूँ, मैं इसमें दूध डाल के पीस रही हूँ। और ये थोड़ा सा गर्म है, फ्रिज से निकाला हुआ दूध है, तो ये थोड़ा ठंडा है, तो फिर ये ठंडा और गर्म का बैलेंस हो जाएगा। तो मैं ये दूध डाल के मैं इसको पीस रही हूँ। दूध डाल के पीसने से एकदम ग्रेवी में एकदम क्रीमी इफेक्ट होगा। आप मलाई डाल के भी इसको पीस सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से सुपर अच्छे फाइन पेस्ट करना है। और उसके बाद मैंने इसको सब्जी में डाल दिया है। इसको एक और बार अच्छे से इसको मिक्स करिए। इसको मिक्स करने के बाद ये जो मिक्सी के जार में जो लगा है ना, इसमें भी मैं दूध डाल के ही इसको वॉश करके मैं इसमें डालूंगी। ये देखिए इसको फिर अच्छे से इसको मिक्स करना है। दिख रही है ना एकदम मलाईदार सब्जी, मलाई की जरूरत ही नहीं है, बिना मलाई की दूध से ही देखिए कितनी मलाईदार हमारी पनीर की सब्जी बन के तैयार हो रही है। बहुत ही टेस्टी सब्जी है ये। इसको अच्छे से मिक्स करिए। आप ग्रेवी आपको जितना चाहिए आप उस हिसाब से दूध डाल सकते हैं, आप मलाई अभी भी डाल सकते हैं चाहे तो। अब मैं इसको 7-8 मिनट में इसको पकाऊंगी ढक के। तो मुझे ग्रेवी अभी थोड़ी सी थिक लग रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा अभी ये थोड़ा सा पतला हो जाए वापस से। फिर ये थोड़ा सा 7-8 मिनट में इसको पकाऊंगी ना, तो वापस अच्छे से ये थिक हो जाएगा। वैसे ये थिक है, मुझे ग्रेवी थोड़ी सी थिक चाहिए, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा पतला या गाढ़ा जिस तरीके से चाहिए आप उस हिसाब से आप दूध डालिए। अब मैं इसमें रोस्टेड कसूरी मेथी डाल रही हूँ। मैंने माइक्रोवेव में थोड़ा सा रोस्ट किया था 1 मिनट के लिए, ये मैंने इसमें डाला है। पनीर में भी मैंने कसूरी मेथी डाला है। और इन सबको बैलेंस करने के लिए मैंने 2 चम्मच चीनी डाला है। चीनी डालो ना तो थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक के पकाऊंगी। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम में रखा है। ये देखिए सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाला। आप कोई भी गरम मसाला डाल सकते हो। मैंने इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसको कम से कम 4-5 मिनट के लिए मैंने इसको और पकाया है। इसको 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ना, तो गरम मसाला पूरा अच्छे से सारे सब्जी में अच्छे से मिल जाएगा। नमक मैंने जितना डाला था ना एकदम परफेक्ट था। पनीर में भी नमक, उसके बाद भी मैंने जितना नमक डाला था एकदम परफेक्ट था। और ये देखिए हमारी सब्जी की कंसिस्टेंसी देखिए, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी। इसके बाद आखिरी में थोड़ा सा धनिया पत्ता। ये देखिए हमारी मलाई पनीर रेस्टोरेंट स्टाइल की, एकदम टेस्टी। आप इसको एक बार ज़रूर बना के देखिए। और आप इसको नान के साथ, गार्लिक नान, बटर नान, तंदूरी रोटी, हमारा जो केरला का रिंग परोटा उसके साथ खाइए, या तो आप सीधा सादा घी की रोटी उसके साथ भी ये खा के देखिए। एकदम फुलके के साथ भी एकदम टेस्टी है ये, आप इसको ज़रूर बनाइए। मैं इसके साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। देखते रहिए दीपा स्टेल। बाय।